हम देखते आ रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को कहीं कभी ना हर टाइम सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। हम यहाँ पे अपने करियर बनाने आए हैं, हम यहाँ पे अपने फ्यूचर बनाने आए, हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं अच्छे से, तो हमें सॉफ्ट टारगेट ना बनाया जाए। देहरादून में एक दहशत का माहौल छाया हुआ था आफ्टर जो इंसिडेंट हुआ था 16 फरवरी को, जो इंसिडेंट हुआ था जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में। हर कश्मीरी को एक दहशतगर्द समझा जाता था, किया किन्नू ने था और समझा किसी और को जाता था। हमें गलत नज़र से देखा जाता था, मतलब हम रूम से बाहर भी नहीं निकल पाते थे। जैसे कि 4-5 दिन से हमने कुछ ना खाया है ना कुछ पिया है, बाकी जो कुछ चाय वाय बची थी वहाँ पे वही पिए 4-5 दिनों हमने। इसी वजह से हम बहुत डर गए थे वहाँ पे, और हमें हमें वॉर्न किया गया था कि वैकेट कीजिए अपनी जो प्लेस से आप जहाँ पे रह रहे हैं वो वैकेट कीजिए, अदरवाइज आपको मार दिया जाएगा। रैलियाँ निकली वहाँ देहरादून में, वहाँ पे रैलियों के दौरान हमारे खिलाफ नारे दिए और कुछ स्टूडेंट उसको उन्होंने पीटा, उसकी वजह से हम भी डरने लगे और हम अपने रूम में बैठ गए। तो हम 4 दिन से बाहर भी नहीं निकले। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने हमारे साथ वहाँ कोऑपरेट किया और हमें वो सामान ला के दिया। वहाँ स्टूडेंट्स बहुत हैं, लेकिन अभी जो मतलब वहाँ 100 में से 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे लाए गए हैं। पोस्ट पुलवामा अटैक्स वहाँ पे सिचुएशन देहरादून में बहुत ही क्रिटिकल हुए थे, तो फिर हमने यहाँ पे जो हमारी जे एंड के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे चंडीगढ़ में मीट बुलाया उसका, फिर हमने ये उस पर सोच विचार किया तो एयर फेयर्स बहुत ही हाई थे, 1000% हाइक पे थे, बाई रोड जा नहीं सकते थे क्योंकि जम्मू में बहुत ही कर्फ्यू लगा था जम्मू में। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे हम चंडीगढ़ में टेम्प्रेरी शेल्टर बनाते हैं क्योंकि ये हमें सबसे सेफ प्लेस लगी, यहाँ पे वैसा कोई इंसिडेंट भी नहीं हुआ था। नहीं, सब तो पहला मैं ये क्लीयर कर देना चाहुंदा कि इह जिहड़े बच्चे ने पंजाब दे इन्हां विच्चों कोई भी बच्चा नहीं है, एंड जिहड़े बच्चे आउट ऑफ पंजाब सानूं अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि उन्हां नूं इह उन्हां दे माइंड दे विच हैगा कि पंजाब सब तो ज़्यादा इस टाइम सेफ जगह हैगी है, असीं अपने आप नूं सेफ महसूस करते हैं पंजाब। सो सानूं जिथों आउट ऑफ पंजाब क्वायरीज आ रही चाहे वह अंबाला है, मुलाना है, चाहे वह देहरादून है, सो असीं उन्हां नूं बच्चों नूं इत्थे मूव करा के चंडीगढ़ दे विच, चंडीगढ़ तो उन्हां नूं जम्मू दे विच भेजण दा जिहड़ा इंतजाम है तुसीं देख सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन है जिहड़ी इह सारी खालसा एड वल्लों अरेंज करके इन्हां नूं भेजा जा रहा। हमने फेसबुक पे, सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल पे यहाँ के पोस्ट, जे के एस ओ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन खालसा एड ग्रुप के पोस्ट देखे, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर छोड़ी थी, गाड़ियाँ छोड़ी थी, आप आ सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ स्टे कर सकते हो। वापस तो हमें आना है क्योंकि हमारी 4 साल की डिग्री अब 1 साल रहा है, तो हम तो ऐसे फार्ग्यू नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से माहौल ठीक हो जाए तो हम फिर वापस आएंगे।